खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। किसी नेता की जिंदगी में एक हार उसे कहां से कहां पहुंचा देती है, यह देखना है तो मैहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि कल जिस नेता के बारे में एक नारा बुलंद हुआ करता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम नारायण है, आज इस नेता के कटआउट पर कुछ लोग विस्फोटक लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उसके साथ म्यूजिक भी देते हैं। खत्म, गुड बाय, टाटा, गया, इन शब्दों के साथ म्यूजिक भी बजती है और फिर लास्ट में इस वीडियो में यह भी सुनाई पड़ता है कि खत्म, कुछ बचा ही नहीं, गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ना ना ना, क्या हुआ, कुछ बचा ही नहीं। यदि इस वीडियो को नारायण त्रिपाठी भी देख रहे होंगे तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि चुनाव हारते ही मैहर क्षेत्र की जनता उनके साथ क्या सुलूक करेगी, वह तो अलग विषय है, लेकिन उनके कटआउट के साथ भी इतना भद्दा मजाक करेगी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मध्य प्रदेश के अंदर कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जहाँ पर जीतने वाले के नाम की चर्चा कम है मगर हारने वाले व्यक्ति के नाम की चर्चा अधिक है, उनमें एक नारायण त्रिपाठी भी हैं। नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार समाजवादी पार्टी से, तो 1 बार कांग्रेस से, तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी से, वर्तमान में स्वयं की विंध्य जनता पार्टी के सर्वे शर्मा हैं। इस बार नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़े तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब नारायण त्रिपाठी का अगला कदम क्या होगा, नारायण त्रिपाठी भविष्य में क्या करेंगे, इस बात को लेकर नारायण त्रिपाठी के समर्थकों में भी जरा चिंता है, लेकिन नारायण त्रिपाठी क्या करेंगे इस बात को दावे के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। मैहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव जीते हैं, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी में नारायण त्रिपाठी की दोबारा एंट्री होने की संभावना न के बराबर है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के हार हुई है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भविष्य में कमलनाथ की भी संभावना मध्य प्रदेश के अंदर खत्म है। ऐसे में अब कांग्रेस किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी। अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लिए नया चेहरा कौन होगा, यह देखने वाली बात होगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें।